दुराधुरिया पूजा औसान माता की कहानी। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू अपनी सास पर बहुत गुस्सा करती थी क्योंकि सास बूढ़ी होने के कारण कोई काम नहीं कर पाती थी। सास और बहू में रोज कलह होती थी। बहू हमेशा सास को ताने देते हुए कहती थी, अम्मा आपसे कोई काम नहीं होता है, दिन भर घर में बेकार ही बैठी रहती हो। बहू के ताने सुनकर लाचार सास कोई जवाब नहीं दे पाती थी। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा आप दिन भर खाली नहीं बैठी रह सकती हो, आपको घर का कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। सास ने कहा, बहू इस उम्र में मैं क्या काम करूंगी और कहां काम के लिए जाऊंगी? तुम अगर मुझे रोटी नहीं दोगी तो मेरा क्या होगा? इस पर बहू ने कहा, अम्मा आप रोज सुबह पूरे गांव में दूध बेच आया करो, एक महीना पूरा होने पर मैं आपसे हिसाब लूंगी। बेचारी सास दुखी मन से मजबूरीवश गांव में दूध बेचने के लिए तैयार हो गई। सुबह हुई तो बहू ने दूध का डिब्बा भरकर सास को थमा दिया और कहा कि जल्दी दूध बेचकर घर आ जाना। सास घर से निकली और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। सोचने लगी, इस बुढ़ापे में मुझे भी क्या क्या दुख झेलना पड़ रहा है, अब कैसे मैं गली गली जाकर दूध बेचूं? इतना सोचते सोचते 2-3 घंटे बीत गए। इसके बाद सास ने मन में विचार करते हुए दूध को उसी पेड़ के नीचे डालने का निर्णय लिया। सारा दूध वहीं उड़ेल कर सास घर लौट गई। बहू ने सोचा, सास सारा दूध बेचकर आ गई है, रुपए भी लिए होंगे तो कोई बात नहीं, महीने के आखिरी में हिसाब ले लूंगी। इस तरह दूध ले जाते हुए सास को एक महीना बीत गया। अब वो दिन भी आ गया जब उसे हिसाब देना था। वो दूध लेकर गई और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, अब मैं क्या करूं? आज बहू को दूध का हिसाब कैसे दूंगी? दूध तो मैंने बेचा ही नहीं तो रुपया कहां से लाऊंगी? वहां से गुजर रही अफसान मैया ने बुढ़िया के रोने की आवाज सुनी। मैया बुढ़िया के पास पहुंची और रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने मैया से कहा, मेरी बहू मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, मुझे कहती है कि घर में कुछ काम किया करो और रोज मुझे पूरे गांव के लिए दूध बेचने को दे देती है। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता, घुटने दर्द करते हैं, इसलिए मैं रोज दूध इस पीपल के पेड़ के नीचे डाल देती थी और बहू से कह देती थी कि सारा दूध बेच दिया। आज मुझे बहू को महीने भर के दूध का हिसाब देना है, मैंने हिसाब नहीं दिया तो वह मुझे घर से निकाल देगी। औसान माता को बुढ़िया पर दया आ गई। माता ने बुढ़िया से कहा कि आज पीपल के जितने भी सूखे पत्ते गिरे हुए हैं उन्हें अपने आंचल में भर लो, घर जाकर इन पत्तों को अपनी बहू के आंचल में डाल देना। इस पर बुढ़िया ने आश्चर्य से औसान माता से पूछा, अरे क्या इससे मेरा दुख दूर हो जाएगा? माता ने कहा, हाँ जरूर हो जाएगा, और जब दुख दूर हो जाए तो औसान माता की पूजा करना मत भूलना। बुढ़िया ने औसान मैया की बातें सुनकर आंचल में पीपल के सूखे पत्ते समेटकर अपने घर लौट गई। सास जैसे ही भरे आंचल के साथ घर पहुंची, बहू अत्याधिक खुश हो गई। बहू ने पूछा, क्या बात है अम्मा, आज तो आप पूरा हिसाब लेकर आई हो, बहुत सारा पैसा रुपया मिला है आपको? सास बोली, हाँ बेटा ऐसा ही समझो, तुम अपना आंचल फैलाओ, मैं उसमें सब डाल देती हूँ। बहू ने अपना आंचल फैला दिया, लेकिन ये क्या, उसका आंचल तो रुपयों और जेवरों से भरा हुआ था। बुढ़िया को भी समझ आ गया कि यह सब औसान मैया की कृपा है। बहू सास से जोर देकर पूछने लगी कि उसे इतना धन कैसे मिला। सास सीधी सरल महिला थी, उसने बहू को सारी कहानी सुना दी। लालची बहू ने सास से कहा कि मैं भी वैसा ही करूंगी जैसा आपने किया है, हो सकता है औसान मैया मुझे भी इसी तरह बहुत सारा धन दे दे। बहू भी अब रोज दूध लेकर जाती और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा कर आती। महीने के आखिरी दिन बहू पेड़ के नीचे दूध चढ़ा कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर औसान माता प्रकट हुई और बहू से पूछने लगी, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? बहू ने कहा, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है, कहती है दूध बेचकर रुपए लेकर आओ तभी तुम्हें इस घर में रहने को मिलेगा, मैं तो रोज दूध यहाँ चढ़ा देती थी, आज मुझे सास को महीने का हिसाब देना है, इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊं? औसान मैया ने बहू से कहा कि वह पीपल के सूखे पत्ते अपने आंचल में समेट कर ले जाए और आंगन में डाल दे। बहू ने खुशी खुशी ढेर सारे सूखे पत्ते अपने आंचल में भर लिए।
लेकिन ये क्या, जैसे ही बहू ने सूखे पत्ते आंगन में डाले वे सब सांप बिच्छू में बदल गए और उसे काटने दौड़ पड़े। घबराकर वह औसान माता के पास गई तो मैया ने कहा कि तूने अपनी बूढ़ी सास के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। उसे तूने दो रोटी के लिए भी तरसा दिया था, इसलिए तेरे साथ यह घटना हुई है। बहू औसान माता के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी। माँ को भी दया आ गई और उन्होंने बहू को क्षमा कर दिया। माता ने बहू से कहा कि अपनी सास को माँ समान मानकर उनकी खूब सेवा करो, घर में आपस में मिलकर रहो, गुरुवार को औसान माता की पूजा आरती करो, मैया की कथा सुनो, इससे तुम्हारे घर में धन दौलत और सुख की कोई कमी नहीं रहेगी। बहू ने घर जाकर सास से माफी मांगी। इसके बाद दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगे। गुरुवार को उन्होंने पूरे विधि विधान से माता का आह्वान कर उनकी पूजन की। जिस प्रकार औसान माता अपने बूढ़ी सास को सहारा दिया और घर में सुख शांति समृद्धि दी, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। औसान मैया की जय।